नमस्कार जनटी वी उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइन पर। उत्तराखंड में सीएम धामी की कैबिनेट बैठक, 8 प्रस्तावों पर लगी मुहर। आवास नीति में संशोधन को दी गई मंजूरी। चाइल्ड और जनरल काउंसलर की होगी नियुक्ति। सीएम धामी का मंगलौर और लश्कर दौरा। लाभार्थी सम्मान योजना कार्यक्रम में की शिरकत। विकास कार्यों के लिए लोकार्पण। लाभार्थियों का किया सम्मान। बीजेपी के मंत्री अजय भट्ट को दोबारा टिकट देने पर खुशी का माहौल। कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। बागेश्वर धाम जाकर लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में जल, जमीन और जंगलों को बचाने की मुहिम जारी। जोगेश्वर में 1000 से अधिक देवदार के वृक्षों को काटने की तैयारी। स्थानीय लोगों का होने लगा विरोध। उत्तराखंड में मौसम का बदला मिजाज। रामनगर के टीना में जमीन पर गिरे ओले। दो दिनों से लगातार बारिश का दौर। ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में धामी कैबिनेट ने 8 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगाई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने फैसलों की जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निःशुल्क स्थानांतरित होगी। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। न्याय विभाग के अंतर्गत जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। वहीं सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज बैठक हुई। बैठक में धामी कैबिनेट ने 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक के बाद सचिव राधा रतूड़ी ने फैसलों की जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी श्रीनगर को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5.335 एकड़ भूमि निशुल्क स्थानांतरित होगी। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। न्याय विभाग के अंतर्गत 4 जनपदों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में चाइल्ड और जनरल काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में अन्य कई फैसले लिए गए। डिटेल आपको अजीत सिंह दे देंगे। इसके बाद गृह विभाग का मद है उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024। संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहित करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। यानी जो भी अगर कोई सरकारी या निजी संपत्ति को डिस्ट्रॉय करता है, अगर किसी बंद या हड़ताल या दंगे में, तो उससे वो पूरा वसूली किया जाएगा। उसके लिए ये एक्ट है, ये लाया गया। धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी को 5.335 एकड़ भूमि निःशुल्क स्थानांतरित होगी। उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। आवास योजना की 1.5 लाख की धनराशि
राज्य सरकार देगी। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में चाइल्ड जनरल काउंसलर की नियुक्ति होगी। संयुक्त निदेशक खनन, संयुक्त निदेशक जियोलॉजी को अब संयुक्त निदेशक नाम से जाना जाएगा। अशासकीय विद्यालयों में भर्ती को लेकर कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होंगे। इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बना दिया गया है। अनुसूचित जाति दशमित्र छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाया गया। केंद्र सरकार द्वारा जो संशोधन इस हेतु किए गए हैं उसे राज्य द्वारा अंगीकृत किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई। दंगों में सार्वजनिक संपत्ति की क्षतिपूर्ति वसूली नुकसान पहुंचाने वालों से की जाएगी। इसके लिए एक क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। इसके लिए शीघ्र अध्यादेश बनाने को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। हरिद्वार के मंगलौर गुड़मंडी में सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का लाभ ले रहे लाभार्थियों लाभार्थी सम्मान योजना कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई विकास कार्यों के लोकार्पण किए गए। साथ ही लाभार्थियों सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थियों का सम्मान किया। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए सरकार कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लक्सर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थी सम्मान समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। कार्यक्रम में हजारों महिला पुरुष शामिल हुए। इस दौरान प्रशासन द्वारा विभागीय स्टॉल लगाए गए। सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी दी गई। सुरक्षा के सभी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। लक्सर में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गईं। उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा कई लाभार्थियों को आवास की चाबी, लक्ष्मी किट और कई योजनाओं से लाभान्वित किया गया। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में चल रहे बुंदेलखंड के महाकुंभ में केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट बागेश्वर धाम सरकार से मिले और उनसे आशीर्वाद लिया। राहुल गांधी पर निशान साधते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि न्याय यात्रा का कोई लाभ नहीं होगा, एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी। शहीद परिवारों के लिए मोदी सरकार लगातार अच्छा कार्य कर रही है। आज हमारे शहीदों को यह समर्पित किया है यहाँ का यज्ञ, और यहाँ जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, अभी 108 कुंडी यज्ञ चल रहा है, और हमारे वेटरन जो हैं वो लोग भी आज यहाँ पर आके लाभान्वित हो रहे हैं। हम लोगों ने जितने भी हमारे एक्स आर्मी के लोग हैं, जितने भी सेवानिवृत्त हैं, उनके लिए एक से एक योजनाएं चलाई हैं हर प्रकार से। OROP में तो हमारा अभी 1,00,000 करोड़ से भी हम आगे बढ़ रहे हैं इस समय, कहीं भी कोई कमी नहीं कर रखी है। और हमारी वार बिडोज हैं, सारे लोग हैं, पढ़ाई में, लिखाई में, सर्विस में, कहीं पर भी है, और उनके इलाज के लिए पूरी व्यवस्थाएं हमने कर रखी है। शहीदों के लिए जो भी किया जाना चाहिए उसमें कहीं पर भी कोई कमी कोर कसर हमारी सरकार मोदी जी कभी नहीं छोड़ते हैं। डॉक्टर ममता जोशी पाठक ऑल इंडिया लेवल पर एथलेटिक्स में 2 स्वर्ण 1 रजत 1 कांस्य पदक जीतने के उपलक्ष में 2 वेतन वृद्धि प्राप्त करने वाली उत्तराखंड की पहली कर्मचारी बन गई हैं। वे राजकीय इंटर कॉलेज पवलगढ़ कोटाबाग में व्यायाम की शिक्षिका हैं। उन्होंने 2021 में करनाल में 100 मीटर दौड़ में कांस्य और लंबी कूद में रजत पदक प्राप्त किया था। 2022 में गुरुग्राम में 100 मीटर लंबी कूद में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए थे और इसी उपलब्धि के लिए 2 वेतन वृद्धि 2021 और 2022 से दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले इंक्रीमेंट में, जिसमें अदर स्टेट्स में मिलता था, हमारे उत्तराखंड के लिए भी ये जियो बना है। और उस जियो के अंतर्गत ये है कि जो भी सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करेंगे उनको वेतन वृद्धि के रूप में 3 वेतन वृद्धियाँ मैक्सिमम मिल सकती हैं। तो इसी क्रम में मुझे 2 वेतन वृद्धियाँ
प्राप्त हो चुकी हैं। 2021 एंड 2022 में मैंने क्रमशः 2 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया था। इसी उपलक्ष में मुझे 2 वेतन वृद्धियां प्राप्त हुई हैं। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। जिला क्रीड़ा अधिकारी अरुण बनग्याल ने बताया कि 4 मार्च 2024 शक्ति वंदन के उपलक्ष्य पर रन फॉर महिला एम्पावरमेंट के तहत खेल निदेशालय उत्तराखंड देहरादून के तत्वाधान में जिला प्रशासन, खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, पुलिस विभाग, होमगार्ड के समन्वय से ओपन महिला वर्ग की मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। रुड़की के मेहवड़ में आज खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा 151 सामूहिक जोड़ों का विवाह करवाया गया, जिनमें 60 मुस्लिम बाकी हिंदू जोड़ों का विवाह सकुशल संपन्न कराया गया। विधायक उमेश कुमार ने बताया कि आज होने वाली सामूहिक विवाह के बाद भी लगातार उनका ये प्रयास जारी रहेगा ताकि गरीबों को सहारा मिलता रहे। एक सौ इक्यावन इसमें कौन कौन लोग शामिल रहे, मुस्लिम कितने थे? लगभग 60 के करीब जो है मुस्लिम थी कन्याएं और बाकी हिंदू कन्याएं थी। सर आगे भी इसी तरह का कार्यक्रम बिल्कुल जारी रहेगा भाई, ऐसे ही जारी रहेगा जैसे चल रहा है, और ये क्रम जब तक जारी रहेगा जब तक कि एक भी कन्या ऐसी न रहे जो पैसे के अभाव में घर पर बैठी रहे। तो वहीं बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरवान सिंह बिष्ट ने महिला शक्ति वंदन मैराथन दौड़ को बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर उपस्थित धावकों और अन्य लोगों द्वारा मतदान की शपथ भी ली गई। महिला शक्ति वंदन मैराथन दौड़ में पुलिस, होमगार्ड, खेल विभाग सहित विभिन्न विभागों की महिलाओं ने प्रतिभाग किया। बस स्टैंड से कलेक्ट्रेट परिसर तक आयोजित इस मैराथन दौड़ में मनेरा स्पोर्ट्स हॉस्टल की खुशी पाल प्रथम स्थान पर रही। लोहाघाट नगर की मीट मंडी में पुलिस प्रशासन द्वारा चौपहिया वाहन पार्क करने पर मीट मंडी के व्यापारियों ने आपत्ति जताई। मीट मंडी चौपहिया वाहनों की पार्किंग बना दी गई है, जिस कारण मंडी में ग्राहकों के आने का रास्ता तक नहीं बचता है। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन वाहनों को नहीं हटाता है तो उन्हें भी नगर में मीट की दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर को गाड़ियों का, जब यहाँ पर को नगर पालिका द्वारा यहाँ पर मोटरसाइकिल का स्टैंड बनाया गया था वो हमें कोई आपत्ति नहीं थी इसमें। फिर ये कार पार्किंग हो गई है, अब ये पार्किंग आप देखिए किस तरीके से कार खड़ी है यहाँ करके। व्यवसाय में कुछ यहाँ कोई लोग देख ही नहीं रहे, दुकानों को दिख ही नहीं रही है, ढकी पड़ी है दुकान, रास्ता नहीं दिख रहा है। इसमें हम क्या करें बताइए, या तो हमें यहाँ से बाहर को भेज दीजिए, इमीट मंडी हटा दीजिए यहाँ से, या गाड़ियों की पार्किंग ही बना दीजिए। महाशिवरात्रि का पर्व 8 मार्च को मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर समिति के साथ ही स्थानीय प्रशासन ने मेला शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि माता बाल सुंदरी देवी पर्यावरण सेवा समिति की ओर से इस बार भी महाशिवरात्रि पर्व को लेकर मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सोमवार को मंदिर परिसर में SDM राहुल शाह, CO भूपेंद्र सिंह भंडारी, कोतवाल अरुण कुमार सेनी ने मंदिर समिति पदाधिकारी के साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। सात तारीख की शाम को उद्घाटन होगा, उद्घाटन के उपरांत जो है गुलरसिद्ध गेट के बगल में जो स्टेज है उस पर रंगारंग कार्यक्रम होंगे, और उसी रात को जो है भंडारा होगा, क्योंकि कांवरिया आ जाते हैं, करीब 250 कांवरिया आ जाते हैं, उनके परिवार के आ जाते हैं, फिर और स्टाफ हुआ तो करीब 1200-1300 आदमियों का भंडारा 7 तारीख की रात को होता है। जैसा आप सभी को पता है कि हर वर्ष आपका महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पे भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आसपास से यहाँ पे आते हैं। उनकी जो पूरे का पूरा पर्व है सुविधाजनक रहे, उसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाओं के संबंध में चर्चा की गई, और सभी विभागों के स्तर से जो भी व्यवस्थाएं की जानी हो संपूर्ण उससे पहले पहले कर दी जाएंगी।
बेमौसम की बारिश ने डोईवाला के किसानों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। बीते रोज हुई भारी बारिश के कारण मुख्य फसल गेहूं को बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचा है। इस बार गेहूं की फसल से बेहतर उपज मिलने की किसान को उम्मीद थी, जो कि बारिश के कारण धराशायी हो गई। मुख्य रूप से जो गेहूं नवंबर दिसंबर माह में बोई गई थी, उसको भारी नुकसान हुआ है। डोईवाला के शेरगढ़ गाँव की तस्वीरें हैं ये, जहाँ पर कई किसानों की गेहूँ की फसल को नुकसान पहुँचा है। भानियावाला में आम के बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है। गन्ना बुआई का समय चल रहा है, जो कि बड़ी मात्रा में प्रभावित हुई है। ऐसे में मौसम की मार झेल रहे इन किसानों की सरकार से मांग है कि उन्हें सरकार द्वारा राहत के तौर पर उचित मुआवजा दिया जाए। भाई जी, बहुत नुकसान हो गया गेहूं का, रबी का काफी नुकसान हो गया। ओला कितना पड़ा है? पड़ा, ओला भी बहुत पड़ा और बारिश, बारिश भी बहुत पड़ी। नुकसान हर बहुत नुकसान हो गया, तो गेहूं का नुकसान हुआ है। 2-3 बीघा तो हमारी भी है, तो बाकी किसानों की भी है। और किसान इधर गुरदेव सिंह जी हैं, साहब सिंह जी हैं, उनकी ज्यादातर गेहूं की फसल को नुकसान हुआ है, गन्ने की फसल को भी हुआ है। लेकिन इस टाइम क्योंकि गेहूं थोड़े टाइम पे पकने वाली है, मार्च महीने में ऐसी सी गेहूं थी जो मार्च महीने में कटने वाली थी, तो उनका ज्यादा नुकसान हुआ है। ये देखिए आप पीछे सारा दिख रहा है, ये तो गेहूं की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है जी। ओलावृष्टि बहुत हुआ है, हवा तूफान चला है, गेहूं सरसों बरजमी और चना भी बो रखा है जो किसानों ने। जिस तरह से प्रदेश में लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी हो रही थी, आज हम डोईवाला के शेरगढ़ क्षेत्र में और चांडी क्षेत्र में है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं किसानों की जो गेहूं की फसल है वो किस तरह से पूरी गिर चुकी है, लेट चुकी है। और लगातार ये जो बारिश हुई है और बीते रात जो है ओलावृष्टि डोईवाला क्षेत्र में काफी भारी संख्या में देखी गई, इस ओलावृष्टि और बारिश 2-3 दिन से जो हुई है उससे किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। अगर हम बात करें तो गेहूं लगभग फसल पक करके कई किसानों की पकने के कगार पर है, थोड़े टाइम बाद ये पकने वाली है और फसल पककर तैयार होने वाली है। तो गेहूं की बात करें, गेहूं को भारी संख्या में नुकसान हुआ है, गन्ने को नुकसान हुआ है, इसके साथ ही सरसों जो लेट में बोई गई थी किसानों द्वारा उस सरसों को नुकसान हुआ है, चने की फसल किसानों के खेत में है, चने को नुकसान हुआ है। साथ ही अगर बात करें, क्योंकि आम लीची में जो है इस समय फूल का समय है, तो आम लीची के जो पेड़ है उनमें से फूलों को जो ओलावृष्टि हुई है उससे आम लीची के फूलों को नुकसान हुआ है। जन टीवी के लिए डोईवाला से आशीष यादव। सोमवार को असम राइफल्स पूर्व सैनिकों की बैठक जिलाध्यक्ष प्रेम चौबे के संचालन में सैनिक विश्राम गृह लोहाघाट सभागार में हुई। बैठक में असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा असम राइफल्स से आर्मी की तर्ज पर कार्य कराया जा रहा है, जबकि उनका वेतन पुलिस के मुताबिक दिया जा रहा है, जिसको लेकर असम राइफल्स संगठन का माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली में मामला विचाराधीन है, जिसमें उनके द्वारा सरकार से आर्मी की तर्ज पर असम राइफल के भूतपूर्व सैनिकों को सुविधा उपलब्ध कराए जाने, वेतन पेंशन दिए जाने की मांग की। सैनिक विश्राम घर में असम राइफल एक्सपेडिशन परिवार से हमारा संगठन है, जिसको हम लोग अपनी मांगने के लिए अपनी मीटिंगों की व्यवस्था करते हैं यहाँ पर सैनिक विश्राम घर में। जो हमको वेलफेयर नहीं मिल रहा है उस वेलफेयर के लिए हम अपनी यहाँ पर मीटिंग करते हैं। सर, मांगे हमारी ऐसी सर कि जैसे कि हम लोगों को वन रैंक वन पेंशन का वो मिलना चाहिए, जैसे हमारे को आर्मी रूल के अनुसार हम उससे काम दिया जाता है और हमारी ड्यूटी वही दी जाती है और हमारा वेलफेयर जो है उस हिसाब से नहीं दिया जाता है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जन टीवी।